हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी कैसा समय चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में प्रयास करें कि आपको लाभ मिले, नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास में क्या सफलता मिलेगी, सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। आयात निर्यात से क्या लाभ होने वाला है, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपके जीवन में क्या होने वाला है, शेयर से लाभ होगा हानि होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रंग शुभ रहेगा और आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहेगा, कौन सी सावधानी बरतें जिससे आपका कार्य अच्छा हो और आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है, आप किसकी पूजा करें, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आपको शेयर से लाभ मिलेगा, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, माता पिता का सुख मिलेगा, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, आपके पुराने मित्र मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप भूमि भवन खरीदने का आपने प्रयास किया है या आपने प्लानिंग किया है तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात आज आपको लाभ मिलने वाला है, नए मेहमान के आगमन से मन आपका प्रफुल्लित रहने वाला है। तो बहुत सारे कार्य जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है वह संपन्न होते हुए दिख रहा है। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो विजन है, जो आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। आपके मन में जो आइडिया, अगर उसका 1/1000 अंश भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तब बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि शेयर के क्षेत्र में, ट्रेडिंग के क्षेत्र में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साझेदारी में किया गया व्यापार से आज आपको लाभ हो सकता है। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बचने की जरूरत है, कोई अज्ञात व्यक्ति से डील न करें। आज जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहता है, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। यदि आज आप कहानी लिखना चाहते हैं, पुस्तक लिखना चाहते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस फील्ड में अगर कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। परिवार में भाई बहनों के लिए अच्छा आप करेंगे, उन परिवार में जो आपका योगदान होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। माता पिता का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्रगति से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। खड्यंत्रकारियों से थोड़ा मन आपका उद्विग्न हो सकता है, अपने को चारों तरफ से घिरे हुए महसूस कर सकते हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको ये बरतनी है कि अपनी गोपनीयता बरते, कोई काम जब तक हो ना जाए तब तक उसको आप किसी को ना बतावे, नहीं तो आपका होता हुआ काम भी रह जाएगा, नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जप करें, इनको दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हरा मूंग दान करना भी आपके लिए बेहतर होगा। आज आपके लिए जो शुभ अंक है वो 3 है और शुभ रंग हरा है। हरे कृष्ण।